नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि थंबनेल को HD क्वालिटी में कैसे बनाएं, और थंबनेल बहुत अच्छे से बना सकते हैं आप इस ऐप की मदद से। इस ऐप का नाम है पिक्सेल लैब। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक थंबनेल बनाना बताते हैं, और आप देखते रहिएगा। बस आपको प्ले स्टोर में जाके एक, मैं आपको होम ऐप का आइकॉन बता देता हूँ। जैसे ऐप का आइकॉन ये है, ये आप ये है जो ऐप का आइकॉन है पिक्सेल लैब, इसको ओपन किया। यहाँ पर देखिए न्यू पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी सेटिंग चुन सकते हैं, जैसे ये थीम दे रखे हैं, थीम ये थीम टेक्स्ट टेक्सचर, ये अलग अलग हैं, नेम्स, 3D टेस्ट, किसी भी टाइप का ये आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक डिफ़ॉल्ट लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट लेने के बाद इसको हमने जो टेक्स्ट लिखा है इसको हमने डिलीट कर दिया सिंपली। अब कोई भी काम करने से पहले, जैसे हो सकता है कि आपने पूरा थंबनेल का सेटअप कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि ये तो ओवरलैप हो रहा है, फिट नहीं आ रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें अपनी जो बैकग्राउंड है इसका साइज डिसाइड कर लेना है। साइज जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो साइज में जाएंगे, इमेज साइज, इमेज साइज में आप देखिएगा कस्टम्स में, यहाँ पर दिख रहा है यूट्यूब, ये आपका स्क्वायर, देखिए मैं आपको पेन के थ्रू बताता हूँ, स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, नीचे जाएंगे आप तो गूगल प्लस, कवर फोटो, ट्विटर हेडर साइज। तो हमें बनाना है यूट्यूब थंबनेल, इसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, ये आपका थंबनेल साइज का बैकग्राउंड हो गया। अब इसके बाद आप जैसे ही अगर कोई कलर बदलना चाहते हैं कि जो कोई कलर दूसरा लेना है, या फिर दूसरा बैकग्राउंड लेना है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं तो कहता हूँ कि मैं तो एक प्लेन लेता हूँ, ये कोई हमें टेम्पलेट नहीं लेना, मैंने प्लेन ले लिया ये बैकग्राउंड, उसको प्लेन बैकग्राउंड के बाद इमेज की साइज़ देखी, कस्टम्स में गए, यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर दिया, ओके किया, ये हमारा थंबनेल साइज का बैकग्राउंड हो गया। अब इसको एक थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर आएंगे, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये जो कॉपी वाला आइकॉन है यहाँ क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। कलर में या तो कलर सेलेक्ट कर लीजिए, आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कलर, या तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जैसे ये कोई सा भी, एक ग्रेडियंट है ये बहुत अच्छे फीचर्स है, इसको सिलेक्ट करके आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जैसे ग्रेडियंट है, इसमें कोई भी आप दो कलर को मर्ज करा सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे आप एक कलर लेंगे, इसको देखिए यहाँ पे किसी भी टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। अब इसमें बैकग्राउंड में कोई इफ़ेक्ट डालने के लिए, या तो आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री दिखाते हैं, अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको मैं आपको पहले क्रिएट करना बताता हूँ, फिर उसके बाद डाउनलोड करना भी बताऊँगा। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस आइकन पर गए, यहाँ पर सेव पर क्लिक किया, शेप में आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे टाइप के शेप आ जाएंगे, तो हमें शेप लेना है इसी शेप पे, इस शेप को बड़ा कर दिया, शेप को बड़ा करने के बाद ओके कर दिया। अब इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए ये इरेजर का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक किया, जैसे ही इरेजर को क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए इरेजर में काफ़ी टाइप के इरेजर हैं, आप डायरेक्ट इरेजर से भी कर सकते हैं, या इससे नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमें
इसको ही सिलेक्ट करना है इसको, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको देखिए इफ़ेक्ट बना रहा हूँ। अब चलो मैं दोबारा से कर देता हूँ, इसको यहाँ से लिया, करते 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 पूरा राइट घुमा दिया। और इसको करने के बाद आप यहाँ पे एक जो दो आइकॉन दिखेंगे आपको, देखिए एक ये आइकॉन एक आइकॉन, किसी को भी ले सकते हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए इस इफ़ेक्ट को देखिए आप, अब आपको थोड़ा अट्रैक्टिव अच्छा लग रहा होगा। इसी में आप कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई कलर देना चाहता हूँ तो इसी पे आएंगे। अब बस एक एक करके थोड़ा पेशेंस रख के देखते जाइए, आपको आपको खुद में खुद अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है ये करना। अब जैसे यहाँ कलर पे गया, कलर पे इसके कलर को लेना है बैकग्राउंड के कलर को, इफेक्ट के कलर को लेना है। तो यहाँ पे हम कलर पर गए, इनेबल किया, यहाँ पे हम कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे जो शील्ड जैसा आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, इस आइकॉन पे क्लिक किया, ये हमारा वो इनवाइज हो गया है। जो शील्ड जैसा आइकॉन दिख रहा है इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद ये इसको ये ऊपर जैसे आएगा, इसके बाद नीचे आप देखेंगे ये कलर का ऑप्शन है, इस पे गए इनेबल किया। अब यहाँ पे किसी भी कलर को ले सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो, या तो ये स्काई ब्लू ले सकते हैं, ग्रीन ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि वाइट, वाइट बॉर्डर भी वाइट है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक बार येलो ट्राई करके देखता हूँ, ढेर सारे कलर मिलेंगे आपको। देखिए मैंने येलो ले लिया मान लीजिए, अब इस कलर में आप थोड़ा शेडो भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे शेडो लिया, इनेबल किया, अब शेडो में मैं यहाँ पे कलर में ब्लैक ले लिया शेडो का। देखिए थोड़ा यहाँ पे देखेंगे आप, अब ये कलर देखिए थोड़ा अलग लग रहा है। इसको जैसे ही हम इसकी शेडो को बढ़ाते जाएंगे ना, थोड़ा ऐसे लगेगा अट्रैक्टिव सा, जैसे कुछ उभरा हुआ हो। फाइव पे कर दिया, हम उसको करेंगे वन पे। देखिए थोड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे, इसको हमने डन कर दिया। अब ये आपका ये इधर उधर ना खिसके, जैसे देखेंगे आपके ये थोड़ा ऐसे खिसक भी सकता है, तो ये खिसके ना, तो इसके लिए हम इसको लॉक कर देंगे। अब इसी में हम मान लीजिए कोई कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पहले कुछ लिखने, अब मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, एडिट किया यहाँ पे, कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर सारा काम आपको इसी प्लस बटन से होना है। यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट पे गया, यहाँ पे एडिट किया, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट थंबनेल, क्रिएट थंबनेल, ओके कर दिया।
यहाँ पे टेक्स्ट को लाए, अब टेक्स्ट की एडिटिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट का कुछ तो सीधा हिंदी में लिख देता हूँ, हाउ टू क्रिएट वगैरह छोड़ ही देता हूँ, हिंदी इसमें आपको कीबोर्ड एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी आएगा। थंबनेल कैसे बनाएं, इसको डन कर दिया, आगे जोड़ देता हूँ वाई और यू, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, ओके किया। यहाँ पे जाके इसको साइज ले लेंगे, साइज कितना चाहिए हमें, तो साइज लेने इसको सेट करने से पहले हम एक पहले किस जहाँ पे इसको फिक्स करना है वो शेप ले लेते हैं। एक शेप लिया, अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि किस शेप में लेना है। मान लीजिए मैं एक शेप लेता हूँ, जैसे ये ले लिया, अब इसको या तो आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसको छोटा बड़ा करने के लिए एक यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा। रीपोजिशन में क्या है, रीपोजिशन में तो खिसकेगा यहाँ इधर इधर उधर। रीपोजिशन के बाद टेक्स्चर, टेक्स्ट कलर, इमेज साइज, कैमरा फ्रंट, ये अभी मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ छोटा। देखो अभी ऑप्शन मुझे थोड़ी देर पहले दिखा था, ये ऑप्शन ये देखिए, ये मिलेगा आपको ऑप्शन कहाँ पे, शील्ड वाले ऑप्शन पे, रिलेटिव साइज में। तो इसको रिलेटिव साइज में देख करेंगे, और यहाँ पे इससे बड़ा, इससे मोटा, इस तो हमने ले लिया, मतलब इतना ले लिया। अब इसको डन कर दिया, अब इसी का मान लीजिए सेम कॉपी करना है तो यहाँ पे गए, ये कर दिया कॉपी। अब इसको हमें मान लीजिए इस साइड, इन दोनों का मुंह एक ही साइड है, तो इनको बदलने के लिए हम यहाँ पे इसको क्रॉप में ले जाएंगे। क्रॉप में ले जाके जस्ट उल्टा कर दिया और डन किया। ये देखिए आपका इस साइज छोटा हो गया क्या, हाँ इस साइज छोटा हो गया है शायद, अभी बराबर है साइज। क्रॉप में गए, जस्ट उल्टा कर दिया, डन किया, क्या हो क्या गया है, इसको ले गए क्रॉप में, ले गए पूरा सिलेक्ट किया। पूरा सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया, ओके करके उसको थोड़ा सा और ऊपर किया, ताकि डिफरेंस चेक ना हो। वैसे इतना खास फर्क नहीं लग रहा है, अभी ये अलग अलग है। अभी मान लीजिए इसको एक साथ करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पर लेके गए, अब इनको एक साथ करने के लिए दोनों को यहाँ पर चेक किया, इन दोनों को ऐसे करके, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये मर्ज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे हम। तो यहाँ पर मैंने मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, ये पूछ रहा है कन्फर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो मैंने कह दिया ओके। अब आप इसको देखेंगे कि इसको कैसे भी उठाएंगे, दोनों एक साथ में ही मूव करेंगे। अब इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ, ओके किया, कलर इसका कलर कौन सा, जैसे ये ले लिया येलो, इसका कॉम्बिनेशन ग्रीन का, इसका मान लीजिए इसको ही लेते हैं, वाइट तो नहीं लेना है, ये लेते हैं, ग्रेडियंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको ले लिया कलर को, इसको ले लिया मैंने, थोड़ा बड़ा किया। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसको इसके ऊपर रख रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसके नीचे जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए ऊपर, तो हम इसके ऊपर लाने के लिए यहाँ पे लेयर पे गए,
इसको हम सबसे नीचे ले आएंगे, सबसे नीचे ले आए, अब देखिए ये ऊपर आ गया। अब इसको टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट का पहले तो साइज घटा बढ़ा सकते हैं इसको यहाँ से ले जाके, लेकिन हमें साइज घटाने बढ़ाने नहीं है। यहाँ पे गए फॉन्ट पे, फॉन्ट कैसा चाहिए, फॉन्ट इसको चाहिए, मान लीजिए फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड चाहिए वगैरह, अलाइनमेंट, बैकग्राउंड, स्टाइल हमें बोल्ड चाहिए, ओके कर दिया। अब यहाँ पर टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, ये ऐसे हैं तो इनको हम कलर ले लेते हैं, ये थोड़ा हैवी कलर ही लेते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने इस कलर को, ठीक है। आप देख रहे हैं वो कैसा लग रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। और अब इसका हम थोड़ा टेक्सचर अच्छा सा बनाएंगे, मान लीजिए इसको हम थोड़ा शैडो सेट करते हैं, इसमें शैडो इनेबल किया, शैडो वाइट ले लेते हैं, देखिए रुको वाइट लेता हूँ मैं शैडो को, शैडो वाइट लिया, मैंने यहाँ पे 3 पे सेलेक्ट कर दिया तो ज़्यादा हो रहा है, हम करेंगे यहाँ पर 0 पे सेलेक्ट, इसको कैंसिल किया, शैडो इनेबल, ओके कर दिया। ये देखिए आप थोड़ा लुक थोड़ा अट्रैक्टिव सा हो जाता है, अभी थोड़ा नीचे हो रहा है तो इसको नीचे ना करके हम थोड़ा और अच्छे से सेट कर सकते हैं। पूरा सेलेक्ट किया, ये करते हैं ओके। देखो थोड़ा उभरा सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, अब इसमें मान लीजिए आप डाल देते हैं एक टेक्स्ट और लेते हैं, प्लस पे गए, टेक्स्ट लिया, एडिट किया, प्रोसेस यहाँ पर कर दिया, हिंदी में उसको ओके किया, ये कहाँ आ गया, इसको यहाँ ले आए। पहले तो हमें अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा, अलाइनमेंट ये आ गया हमारा सेंटर, ओके किया, कलर, कलर में हम मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कलर कोई सा भी कलर ऐसा लो जो टेक्स्ट, फॉन्ट, फॉन्ट अभी देखेंगे, यहाँ पर फॉन्ट दिख गया तो फॉन्ट में हम ये यहाँ पर आपको साइड में दिखता जा रहा होगा किस टाइप का फॉन्ट आएगा, तो माय फॉन्ट में कैसे रिसेंट वाले फॉन्ट को देखते हैं, या ये भी अच्छा लग रहा है, ये ले लिया। अब बात करते हैं साइज की, तो थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, देखिए साइज बढ़ा ली, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कंप्लीट प्रोसेस के बाद, हिंदी में को उसको हम कट करना चाहते हैं, हमें ये नहीं चाहिए,
डन कर दिया, कंप्लीट प्रोसेस ही सही है। एक और टेस्ट ली, मान ली एक सेप ही ले लेते हैं कोई, यहाँ पे बहुत सारी सेप हैं, इसको ले लिया। अब इसको हम लेयर को उठा के इधर कर देंगे, नीचे कर दिया, और ये कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पर रख देंगे। आप देखते जाइए, कोई इतना टफ नहीं है इसको सेट करना, बहुत ईजी है। अब इसके हमें थोड़ा साइज कम करनी होगी इसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ये साइज सेलेक्ट हो गई है। तो अब इसका कलर भी ले लेते हैं। कलर की बात करें तो यहाँ से लिया कलर, ये किया ये मैं यहाँ से ले लिया, हम लेंगे ग्रेडियंट। कोई तो दो कलर का कॉम्बो ले लीजिए, देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, इसको ले लिया। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देंगे ना, अगर अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर लेते हैं, ये ले लिया। एक टेक्स्ट और ले लेते हैं, देखिए पेस्ट किया हिंदी में, ओके किया, यहाँ पर है हिंदी में, इसको हम डिलीट कर दिया, ओके डन। यहाँ देखिए आपको पैडिंग किस साइड जाना, लेफ्ट साइड जाना, राइट साइड जाना है, इसको पैडिंग के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले साइज से पहले एक सिलेक्ट करते हैं फॉन्ट, फॉन्ट में रिसेंट में इसमें ओके कर दिया। ओके के बाद यहाँ पर ले लिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड भी आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, कोई सा भी वाइट ले लिया, या ग्रेडियंट में भी ले सकते हैं बैकग्राउंड। सेम बैकग्राउंड ले लेंगे हम, बैकग्राउंड लेने के बाद साइज सेलेक्ट किया, साइज को बढ़ा दिया थोड़ा, ये ज़्यादा लग रही है। या बैकग्राउंड को रिमूव भी कर देते हैं, देखिए बैकग्राउंड हटा दिया, अगर बैकग्राउंड हटा दिया है तो देखिए इसका इनर शैडो देख लेते हैं। आउटर शैडो ये देखो कितना गजब लग रहा है। अब मान लीजिए मुझे कहीं पर यहाँ पर फोटो भी देना है मुझे, कि जैसे मैंने एक पिक्चर डाउनलोड कर रखी है, इस फोटो को हम सेलेक्ट करेंगे, किस साइज में सेलेक्ट करेंगे, 16 बाई 9 इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर डन कर दिया। अब इसको हम बड़ा घटा भी सकते हैं किसी भी तरह से, ये लीजिए। एक अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें आपको ये इसको फोटो को भी एडिट करना, पीएनजी में कन्वर्ट करना, और फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना, सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें, अगर या फिर आप अगर फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर फ़ोटो का बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं, थोड़ा फ़ोटो का साइज़ बड़ा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखिए इसको। मान लीजिए आपको कोई थंबनेल या कोई यहाँ पर थंबनेल भी दिखाना है, तो सेप लिया,
इसको शेप को लेके यहाँ को रिड्यूस कर दिया। अब इसको साइज को थोड़ा कम किया। कोई और वीडियो साथ में दिखाना चाहते हैं तो इसमें ये ले लिया, डन किया। अब इसी पे गए, यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाके ये इस पर कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इसमें इसी में किसी और कुछ थंबनेल लगाना है, यहाँ पे गए या आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्सचर का, टेक्सचर पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे देखिएगा टेक्सचर में नो टेक्सचर, यहाँ गैलरी कर दिया। यहाँ पर टेक्सचर पे गए, गैलरी, गैलरी से मैंने लिया एक थंबनेल, एक इसको ले लिया और डन कर दिया। तो आप देखेंगे ये हमारा थंबनेल है, तो मतलब इसको थोड़ी साइज छोटी बड़ी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे थंबनेल आराम से बन सकता है। और मैं आपको इसका जो मैंने अभी बोला था कि मैं फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना भी बताऊंगा, तो इसके लिए हम सिंपली आ जाते हैं होम पे। हमने गूगल क्रोम खोला, गूगल क्रोम खोलने के बाद गूगल एक मैं नया विंडो ले लेता हूँ, इसमें गूगल बीजी रिमूव। जैसे ही आपने ये बीजी रिमूव डाला, यहाँ पे देखिए इसका जो फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करना है आपको, और मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड इमेज कीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई सी भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे मैं एक बच्चे की फ़ोटो ही ले लेता हूँ, इसको ये बैकग्राउंड रिमूव कर रही है फ़ोटो थ्रू। आप कितनी भी HD में, हाई डेफिनेशन में आप बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। अपना कोई से भी एक ईमेल आईडी लेके आप लॉगिन कर देंगे तो एक ईमेल आईडी से आप एक बार में एक फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप कई बार यूज कर सकते हैं। एक अपना कोई अच्छा सा फ़ोटो लीजिए, उसको HD में डाउनलोड करके, जैसे अभी ये डाउनलोड हो जाएगा, ये जो आपका ये फुल HD है, ये इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको एक फ़ोटो खोल के। देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, आप इस फ़ोटो को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसी फ़ोटो को अगर कहीं उसी मैं यूज करना चाहूँ जहाँ पर हम काम कर रहे थे अपना, इसमें अभी पे एक साइड में मैं अगर उसी फ़ोटो को लगाना चाहूँ तो फ्रॉम गैलरी पे गया, ये जो फ़ोटो मैंने लिया है इसको छोटा कर लिया, डन किया। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा पर्पस ये था कि बैकग्राउंड कैसे हटाएं, ठीक है। तो आपको एक सिंपली बैकग्राउंड रिमूव करना मैंने बता दिया, और इफ़ेक्ट्स जो कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे ये है मैंने बताया आपको, ये डाउनलोड करने के लिए, अगर आप डाउनलोड करना है कैसे करना है ये सारा चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी का दूसरा पार्ट, तो उसमें आपको बता दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम सेव कर देंगे, सेव इमेज आज देखिए। अच्छा, और एक और है, अगर हम इसको डाउनलोड करना है वो भी अच्छी क्वालिटी में, अगर हमको इस वीडियो को और अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड करना है तो हम इसकी रेजोल्यूशन इस टाइप की कर देंगे 7680 और यहाँ पे 4320। अब देखना ये आपका इतना हाई क्वालिटी में हो जाएगा
कि आपका किसी भी स्क्रीन पर नहीं फटेगा कितना भी बड़ा स्क्रीन हो। देखिए मैं आपको दिखा दूंगा इसकी साइज, ये बढ़िया क्लियर बनी है। इसी से मैंने एक और बनाई थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए 4 MB की है, इसको कैसे भी बना सकते हैं आप। और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।